11 बजे किसानों ने अपने ट्रैक्टरां दी सेल्फ मारी और अगे नूं वधण दी तैयारी की, दिल्ली कूच की तैयारी की। एक ट्वीट आंदा है, बिल्कुल समय से एक ट्वीट आंदा है, जिस तों बाद किसान लीडर ने कह दिता कि अजे रुक जाओ। फरवरी का दिन इतिहासक होने वाला सी, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली सी। जिस तरह 11 बजे सवेर दे आगुआ दे वल्लों हुक्म दे दिता गया कि अजे दिल्ली नूं कूच नहीं करना, अजे रुक जाओ, क्योंकि 5वें गेट की मीटिंग का सद्दा एक ट्वीट राही आ गया। ट्वीट है जिहड़ा साढ़े तक पहुंचा, वो पढ़ के सुना दें। मेरे नाल सीनियर जर्नलिस्ट गगन शुक्ला मौजूद ने। अर्जुन मुंडा ट्वीट करते हैं कि सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे, जैसे कि MSP की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, FIR पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। दिल्ली दरबार की जी खटखटाहट हुई कि सानू किसानों की गल एक बार फिर सुन लेनी चाहिए है। 11 बजे तो उतो 5 अथरू गैस के गोले जड़े ने वो हवा च सुट्टे जाते हैं। 3 ड्रोन आते हैं इधरले पासे का जायजा लैण के लिए। उस तो बाद इधरों पतंगबाजी शुरू की जाती है, ड्रोना सुट्टन की कोशिश, पर ड्रोन वापस चले गए। तो 11 बजे तैयारी पूरी सी, पर ठीक 11 बजे ट्वीट आया। ठीक 11 बजे किसान आगू कहते कि अजे रुक जाओ, यानी कि यह 5वें गेट की मीटिंग होर भी अहम रहने वाली, क्योंकि चौथे दे विच 5 फसलों से MSP देने का प्रस्ताव रखा गया जो ठुकरा दिता। 21 फरवरी का दिन इतिहासक होने वाला सी, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली सी। जिस तरह 11 बजे सवेर दे आगुआ दे वल्लों हुक्म दे दिता गया कि अजे दिल्ली नूं कूच नहीं करना, अजे रुक जाओ, क्योंकि 5वें गेट की मीटिंग का सद्दा एक ट्वीट राही आ गया। तो तस्वीरां असीं तुहानूं दिखाईआं सी, जिस तरह 11 बजे किसानों ने अपने ट्रैक्टरां दी सैल्फ मारी और अगे नूं वधण दी तैयारी की, दिल्ली कूच की तैयारी की। तो एक ट्वीट आंदा है, बिल्कुल समय से एक ट्वीट आंदा है, जिस तों बाद किसान लीडर ने कह दिता कि अजे रुक जाओ, 5वें गेट की मीटिंग का सद्दा आ चुका है। 5वें गेट की मीटिंग दे विच की कुछ होने वाला है, तुहानूं एक ट्वीट है जिहड़ा साढ़े तक पहुंचा, वो पढ़ के सुना दें। मेरे नाल सीनियर जर्नलिस्ट गगन शुक्ला मौजूद ने। तो एक ट्वीट आंदा है, अर्जुन मुंडा ट्वीट करते हैं कि सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे, जैसे कि MSP की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, FIR पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। तो यह ट्वीट की तस्वीर असीं तुहानूं स्क्रीन से दिखावांगे। बिल्कुल मौके पर जदों ये ट्वीट आया तो ट्रैक्टरां दी सेल्फ वजी हुई सी, रोक दिते गए और किसानों नूं कह दिता गया कि अजे खड़ जाओ। हालांकि 21 तरीक दिल्ली कूच की तैयारी सी, पर फिलहाल सारे किसान उत्थे कुछ पल दे लई रुक गए, ठहर गए, क्योंकि हुण 5वें गेट की मीटिंग अगन बहुत अहम है। ये मीटिंग, क्योंकि ये जिहड़ा ट्वीट है इसने बहुत कुछ दस्सिया कि एक मीटिंग 5वें गेट की होनी है, जिस विच ना तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। की लगता की अहम रहने वाला है, कि दिल्ली कूच पोस्टपोन होया है या फिर दिल्ली कूच नहीं किया जाएगा, या इन मसलों के हल जिहड़े किसान चुक रहे ने ये निकलणगे? देखो सुमन, ये बिल्कुल क्लीयर है, ना तो दिल्ली कूच पोस्टपोन होया, ना दिल्ली कूच रोकया गया। दिल्ली जाना किसानों का कोई उन्हां दा तय प्रोग्राम है, उसनू टालिया नहीं गया, क्योंकि वह देश की राजधानी जाके अपने मुद्दों की डिस्कशन करना चाहते हैं। पर मैं अर्जुन मुंडे दे एक ट्वीट की गल करदा, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, कि लगता है किसान जदों कल शाम तो लगातार देखा जाए तो शंभू बॉर्डर से लगातार जी उत्थे गैदरिंग बधी, पोक लाइना की गिनती बधी, JCBs की गिनती बधी। तो उस तो बाद की लगता दिल्ली दरबार की जी खटखटाहट हुई, दिल्ली दरबार से एक आहट हुई है कि सानू किसानों की गल एक बार फिर सुन लेनी चाहिए है। जो प्रस्ताव रखा गया सी MSP कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया गया,
कुछ फसलों से एम एस पी का जिक्र किया गया, उस तो बाद किसानों वालों प्रस्ताव में सिरे तो खारिज कर दिया गया। तो हुण 11:30 बजे कूच का तैयारी सी, जिस तरह दी तस्वीर सी लग रहा सी कि कूच है जिहड़ा वह 100% किया गया। 11 बजे तो उतों 5 अथरू गैस के गोले जिहड़े ने ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰੋਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਟਵੀਟ ਆਇਆ, ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं तुसी ड्रोन का जिक्र करिया, पतंगा का जिक्र करिया, यह खेतों के पुत ने, खेतों चो आए ने, इन कोई टैक्निकल चीज़ा थोड़ी ने। अगर ये किसी सरकार की किसी चीज़ को रोकना चाहते ने, सरकार की किसी गल दे नाल करना चाहते ने, टीयर गैस को रोकना चाहते, तो इन्हों को की है, इन्हों को हड़म्बे थ्रैशर ने, जीरी अड़ाने वाले पक्के ने, गिलियां बोरियां ने, इन्हों को स्परे वाले पंप ने, होर इन को थोड़ा कुछ है, ये कोई वैल प्लेन्ड सोल्जर थोड़ी ने, ये तो खेतों के पुत किसान ने। तो उस चीज़ा के नाले उन्होंने रोकने की कोशिश आ। जिहड़ी 5वीं गेड़ की मीटिंग का तुसीं जिक्र करिया, ये बहुत ट्वीट नूं विश्लेषण करन जोगा कि हम एम एस पी की मांग, FIR पराली, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इन ए उस तो बाद किसानों के जिहड़े तमाम मुद्दे आ उन्होंने चर्चा लई एक बार फिर इनवाइट कर रहे हैं। एक बार फिर टेबल टॉक का रास्ता खुल गया, मसला हल है, दिल्ली जाना कोई चीज़ नहीं है, हल है कि असी अपने जिहड़े मुद्दे आ उन्होंने हल किवें करवाना। हुण ये मीटिंग, हालांकि पहला भी 5-5 घंटे मीटिंगा, 6-6 घंटे होनी है, तो कितने कितने मुख्यमंत्री पंजाब भी इस टेबल पर बैठते हैं भगवंत मान। तो हुण इस वेले किसान ड्राइविंग सीट पर ने, क्योंकि सरकार एक बार फिर कह रही है कि असी तुहाडे नाल 1-to-1 मीटिंग करना चाहते, आ जाओ जिहड़े मुद्दे ने एक बार दसो। तो लगता इस वेले किसान ड्राइविंग सीट पर मौजूद ने। दिल्ली जाण दा प्रोग्राम 2-4 घंटे एक दिन अगे पाया गया है कि कोई गल नहीं, गलबात फिर शुरू कर दें, गलबात होनी चाहिए आ। 14 गेड़ की गलबात दिल्ली बैठ के की है, जदों किसान उत्ते तख्तियां लेके जाते तो बहर बैठ के, ये भी सुमन तुसी इस गल के गवाह हो, तो उही लंगर किसान खांदे सी, उही लंगर पत्रकार खांदे सी। तो हुण जदों उत्थे गलबात हो सकती आ, तो सुमन गलबात इत्थे भी हो सकती है, तो गलबात हमेशा हुंदी रहनी चाहिए आ। तो यह ट्वीट बहुत कुछ कहिंदा खेतीबाड़ी मंत्री का। हालांकि देखने योग होगा कि हुण इस मीटिंग दे विच्चों निकलदा की आ। सूत्रां दे हवाले तो खबर तो यही है कि मीटिंग ते गहरी चर्चा हो सकती है, क्योंकि किसानां दी फुल तैयारी है, और सब तो ज़्यादा चर्चा एम एस पी ते होण वाली है। बिल्कुल होनी चाहिए आ, पर हुण किते ना किते होया जावे, तो किसान ड्राइविंग सीट ते बिल्कुल ने, सरकार आना भी चाहिए है। हुण मैं कल एक लड़के ने गलबात कर रहा सी, तो किसान हुण यही किसान नहीं ना रह गया, एक किसान का असली रूप नहीं है। ट्रैक्टर ते बैठ के हल चलाउणा, ओह वी किसान हुण पढ़े लिखे लोग ने, मल्टीप्लाई करना जानते ने, इकनोमिक्स पढ़ते ने नवे मुंडे, कहिंदे साडे ते करजा है, जिन्ना असीं करजा उहदा इंट्रस्ट दिंदे आ, अगर उस तो 5-7 साल बाद अगे जाने आ, तो उह करजा ते इंट्रस्ट असी साडे कोल देण लई कुछ नहीं रहूगा, स्टेट लॉक हो जूगी। मीटिंग बहुत अहम रहण वाली आ, उस तो बाद नहीं दिल्ली नूं चाले पाए जाणगे, सिर ते इलैक्शन है, बहुत सारियां चीज़ां ने। तो उस तो बाद सरकार भी हुण बहुत सीरीयस नज़र आ रही है, लगता है कि चीज़ों का हल निकल जूगा। मैं भी नहीं कहता कि यार चीज़ को मान लेना चाहिए, पर स्टैप बाय स्टैप तुसी अगे वधो, एक कदम तुसी अगे वधो, एक कदम वो अगे आउण, तां किते विच बैठ के सैटलमेंट होनी चाहिए। ये लोग अपने घरां नूं जाण, सड़कां ते रातां नहीं कटनियां, ये जमीनां दे मालक लोग ने, इन्हां नूं भी कोई शौक नहीं हैगा। तुसी देखो गड़ेमारी दे विच, एडियां धुप्पां दे विच, मौसम दा कुछ पता नहीं लग रहा, पल पल बदल रहा है, और अपना घर छड्ड के, अपने बच्चे छड्ड के, अपने पोतियां पोते पोतियां छड्ड के इत्थे बैठे हुए ने, इन्हां ने भी घर जाना, इन्हां नूं कोई शौक थोड़ी है ट्राले लैके इत्थे बहण दा, सब कुछ करदे ने। तुसी देखिया, तुहानूं पहलां खीर खिलाई है काजू बदाम वाली, तां ये चीज़ है, ये लोग बहुत वड्डे दिल वाले लोग ने, तो सरकार नू भी हुण वड्डा दिल करके जिहड़ा इन्हां दी गल सुननी चाहीदी आ, तां कि ये सैटिस्फाई होके अपने घर नू जाण। ये राजे लोग ने इन्हां नू सरकार नू खुश करके सैटिस्फाई करके सुमन घर नू भेजना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो किसान कोई ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ 4 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4th ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
पांच फसलों ते MSP देने का प्रस्ताव दिता गया सीगा जो कि ठुकराया किसानों ने, पर पंजवें गेड की जिहड़ी मीटिंग है बहुत ही अहम रहने वाली है। खेतीबाड़ी मंत्री ने बिल्कुल एन मौके पर ट्वीट किया जो दिल्ली कूच की तैयारी पूरी हो चुकी सी, कूच करन ही वाले सी, कुछ ही पल रह गए सी, कुछ ही मिनट रह गए सी, तो उस वेले ट्वीट आंदे और अगले दौर की जिहड़ी मीटिंग है यानी कि पंजवीं मीटिंग का सद्दा जिहड़ा उन्हां वल्लों दिता जांदा है ते कहा जांदा है कि हर मुद्दे पर चर्चा होएगी। वो कह रहे हैं कि चाहे वह MSP होवे, चाहे वह FIR हो, चाहे वह क्रॉप डाइवर्सीफिकेशन हो, हर मसले पर असीं चर्चा करांगे, शांति बनाए रखो और आके साडे नाल टेबल टॉक करो। तो उही टेबल टॉक है जो चार बार हो चुकी है, पंजवीं बार अज होण जा रही है। देखना होएगा कि की हुण किसानां दे मसलियां दा हल हुंदा। देखो तुसीं इक तस्वीर देखो, मेरे ख्याल जिथे तक तुहाडी नज़र भी नहीं जा रही होनी उत्थे तक किसानां दे ट्राले ने, और ये अज दे नहीं हैगे, आ 10 दिन हो गए किसानां नूं ये मिन्त करदिआं नूं कि सानू साडे हक दे दो, सानू साडे हक दे दो, ये असी भीख नहीं मंग रहे, ये असी कुछ अजिहा नहीं मंग रहे जो देना नामुमकिन है, साडे नाल विचार चर्चा करो ते सहमति बने यही असी उम्मीद करदे हां। पंजवें गेड़ की मीटिंग जिहड़ी है इस दे नाल सहमति बने, किसानां नूं उहनां दे हक जिहड़े ने उह मिलण, ते ये जो तैयारियां ने दिल्ली जाण दीआं तैयारियां ने, तो तुसी देखो पोकलेना दी तस्वीरां तुसी इस पार भी देखियां ने, उस पार भी देखियां ने, तो किसान पूरी वाह ला रहे हैं कि किसी तरीके बॉर्डर टप जाइए, पर जेकर मीटिंग ते सहमति बनती है, मंगा मन लिया जांदियां ने, तो शांति शांतमय तरीके दे नाल ए भी अपने घरां नूं वापस परतन, यही असी उम्मीद करते हैं। फिलहाल ही मैनूं दिओ इजाजत, कैमरा परसन हैप्पी अते सीनियर जर्नलिस्ट गगन शुक्ला दे नाल सुमन जेटली, डेली पोस्ट पंजाबी, शंभू बॉर्डर।